नमस्कार, मैं संगीता तवर और आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। एक नए मामले में गुजरात के निलंबित 1988 बैच के आईपीएस संजीव भट्ट का एक सेक्स वीडियो सामने आया है। वीडियो आने के बाद गुजरात सरकार की ओर से उन्हें नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब भी मांगा गया है। उन्हें नोटिस अपनी पत्नी के अलावा अन्य महिला से रिश्ते रखने के कारण दिया गया है। गौरतलब है कि 11 मिनट के इस वीडियो में संजीव भट्ट किसी महिला के साथ अंतरंग नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर सफाई देते हुए संजीव भट्ट ने कहा है कि वे वीडियो में नहीं हैं। संजीव भट्ट ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना जवाब भेज दिया है। उनका कहना है कि वीडियो में मौजूद शख्स उनसे मिलता जुलता जरूर है, पर वे वीडियो में नहीं हैं। नोटिस को एवी वाला अंडर सेक्रेटरी गृह विभाग ने जारी किया है। उनका कहना है कि गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह वीडियो असली है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये व्यक्ति संजीव भट्ट है या और कोई। वहीं गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर से जब इस बारे में पूछा गया तो वे अनजान दिखे। दूसरी ओर संजीव भट्ट ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति, उनकी नाक की बनावट अलग दिख रही है, वहीं माथे और कान भी अलग नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे व्यक्ति मैं नहीं, कोई और है। साथ ही संजीव ने यह भी कहा कि वे आरोपों पर से पर्दा उठाने के लिए देश की किसी भी लैब में बायोमेट्रिक जांच कराने को तैयार हैं। गौरतलब है कि भट्ट वही आईपीएस हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में संजीव भट्ट के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया था। भट्ट को साल 2000 में सस्पेंड भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि संजीव भट्ट के खिलाफ कई क्रिमिनल केसों पर जांच अब भी चल रही है। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए वन इंडिया.com।